जन एकता जन अधिकार मंच के बैनर तले त्रिपुरा और बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ सेरी मंच पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में सिट्टू हिमाचल किसान सभा और भारत की नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। त्रिपुरा और बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ मंडी शहर के सेरी मंच पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने प्रदर्शन में सिट्टू भारत की नौजवान सभा तथा हिमाचल किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शन पर उतरे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिट्टू के सह संयोजक परशुराम ने कहा कि त्रिपुरा में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार किसान सभा, नौजवान सभा और छात्र नेताओं को सरकार की प्रायोजित गुंडों द्वारा हमले किए जा रहे हैं और हत्या की जा रही है। साथ ही घरों में लूटपाट तथा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार द्वारा सरेआम हिंसा की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इस अवसर पर भूपेंद्र, प्रवीण, राजेश शर्मा, सुरेश अग्रवाल, मनीराम, दीपक और हेमराज वालिया सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन एकता जन अधिकार आंदोलन के तहत जुड़े हुए संगठन सीटू, हिमाचल किसान सभा, महिला समिति, भारत की नौजवान सभा और छात्र आज पूरे प्रदेश भर में ये जो हिंसा त्रिपुरा में और बंगाल में हो रही है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ ही महीने पहले त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बनने के एकदम बाद जितने भी हमारे संगठन थे, चाहे वो किसान के संगठन थे, सीटू थी, महिला थी, उन सारे नेताओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं, घरों में लूटपाट की जा रही है, दफ्तर में तोड़फोड़ की जा रही है और दफ्तरों पर कब्जे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के बीच में जो अभी पंचायत चुनाव हुए उन पंचायत चुनाव में हिंसा को पूरे ढंग से खुले हम छूट दी गई थी और उसके साथ साथ जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। ये जो संविधान के तहत बनी हुई सरकारें हैं इनकी जिम्मेवारी है कि संविधान की रक्षा करें, जान माल की रक्षा करें और ये जो हमले हैं, विरोध की आवाज है उसके दबाने की जो प्रयास वो कर रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं होंगे। हम आज एकजुटता जो जनता त्रिपुरा की और बंगाल की है उनके साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए खड़े हुए हैं और निंदा करते हैं उन हमलों की और ये मांग करते हैं सरकारों से, उन सरकारों से और केंद्र सरकार से कि वहां जो है शांति बहाल की जाए, अन्यथा ये जो आंदोलन है पूरे भारतवर्ष में इसी प्रकार के धरने प्रदर्शन करके बेनकाब करेगा इनकी ये जो हिंसक घटनाएं हैं। मेरा नाम सुरेश सरवाल है, मैं DYFA का जिला का अध्यक्ष हूँ और आज जो ये मंडी के अंदर प्रदर्शन हो रहा है इसका मुख्य मांग है जो हिंदुस्तान के दो राज्य है बंगाल और त्रिपुरा के अंदर जो पिछले दिनों वहाँ पे पंचायती राज चुनाव हुए हैं वहाँ पे जो लगातार हिंसाएं हो रही हैं और जो उसके अंदर वामपंथी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, खासकर सिट्टू, किसान सभा, छात्र और नौजवान नेताओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ जो है आज पूरे प्रदेश के अंदर जो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो त्रिपुरा के अंदर भी पिछले दिनों चुनाव हुआ है उस चुनाव के बाद जो 1000 से भी ज्यादा लोगों के जो घरों को जला दिया गया है वामपंथी कार्यकर्ताओं के ऊपर और 2 से ज्यादा लोगों को अब तक मौत के घाट उतार दिया गया है। आज इन्हीं मांगों को लेकर वहाँ पे जो आज जनवाद और जो संविधान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं आज बंगाल के अंदर उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनको घरों को जलाने की कोशिश की जा रही है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर जन एकता जन अधिकार मंच के माध्यम से विभिन्न संगठन जो है आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे हिमाचल के अंदर कि बंगाल और त्रिपुरा के अंदर जो आज फासिज्म जो है तेज हो रहा है उसके खिलाफ जो आज पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन हो रहा है कि बंगाल और त्रिपुरा के अंदर शांति बहाल करो और जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनकी जो रक्षा करनी पड़ेगी और उनके जो अधिकार उनको जो है हनन नहीं किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं।